अस्सलामुअलैकुम। हमने जो है केमिस्ट्री 9th में लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो मोलरिटी पर था, ठीक है। उसके में प्रॉब्लम भी कुछ डेमोस्ट्रेट किए थे कि मोलरिटी जो होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या फार्मूला होता है, ठीक है। हम जो बेसिकली रिक्वायरमेंट टॉपिक वो हमारा कंसंट्रेशन का है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनमें हमने मोलरिटी पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोलरिटी, ठीक है। अब जो मोलरिटी होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एक केजी अगर हमारे पास सॉल्वेंट है तो उस एक केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट हमने कितने मोल्स से सॉल्यूट के रिजॉल्व किए हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मोलरिटी कहलाता है। अगर आपको थोड़ा पिछला टॉपिक याद हो तो मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी उसमें हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूट लेते हैं वो मोल्स में होता है और जो सॉल्यूशन होती है वो लीटर्स लिए जाते हैं, उसका वॉल्यूम लिया जाता है। यहाँ पे हम दोनों का मास लेंगे, ठीक है। एक हम जो है वो मोल्स ले रहे हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का हमने क्या लेना है, किलोग्राम लेना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो एक केजी है, वन केजी अगर सॉल्वेंट है तो उस वन केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हमारे सॉल्यूट के डिजॉल्व किए हैं तो वो क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है, ठीक है। और मोलरिटी को हम जो है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से करते हैं और जो मोलरिटी होता है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हमारे पास हर जब एक सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के हमने क्या करना है, 100 ग्राम से उसको डिसॉल्व किया है 1 केजी के अंदर। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास जो मोलर मास होता है वो आपका होगा 100 ग्राम। जो मोलर मास होता है यानी 1 मोल का जो मास होता है दैट इज 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अगर हम इसमें 100 ग्राम जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1 मोल डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल अगर आपका 1 केजी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, 1 मोल अगर 1 केजी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, दैट विल बी एज 1 m, ठीक है। यानी 1 मोल डिसॉल्व हो रहा है 1 जो है केजी के अंदर तो आपको क्या कहलाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये तो डायरेक्टली हमें पता है कि 1 मोल 1 मोल है, डिफरेंट जब क्वांटिटीज होती है मोल्स भी डिफरेंट हो और केजी जो है वो भी डिफरेंट हो तो फिर आप क्या करते हैं, फिर हमारे पास फार्मूला है, इसका बेसिक ये फार्मूला है उसमें से बाकी फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। अब बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज के मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जितने मोल्स आपको दिए गए हैं, जितने आपने डिसॉल्व किए हैं मोल्स के, उसको डिवाइड करना है किसके अंदर, किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है। मोल्स को डिवाइड करना है किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट से तो आपको क्या मिलेगा, मोलरिटी मिल जाता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम पहले डिस्कस करते हैं उसके बाद हम इस पे आते हैं। इसमें आप ये देख लेंगे एग्जांपल हमारे पास है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 5 मोल्स ऑफ NaCl आर डिसॉल्व इन 2 केजी वाटर, यानी कि यहां पे हमने क्या किया है, 5 मोल्स जो है वो सॉल्यूट है NaCl जिसको हमने डिसॉल्व किया है इसके अंदर 2 केजी वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मोल्स आपको मिले हुए हैं, केजीज आपको मिले हुए हैं, आपको क्या करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो डेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 5 केजी ऑफ वाटर 2 मोलरिटी कैलकुलेट करनी, फार्मूला हमारे पास क्या है, जिसमें ये वाला फार्मूला n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल की जगह वैल्यू लिखनी है, कितने मोल्स हमारे पास है सॉल्यूट के, दे आर 5 है तो आपने 5 करना है, केजी ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, दैट इज वाटर जो हमारा डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूट को वो है 2 केजी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 5 मोल्स को 2 केजी से डिवाइड कर देना है, 5/2 विल बी 2.5 मोलर, यानी कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनी हुई है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2.5 मोलर कंसंट्रेशन कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका इस फार्मूला से ये बेसिक फार्मूला जिससे हम डिसॉल्व करते हैं, मतलब जो कैलकुलेट करते हैं हमारा कितना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी ऐसे होता है कि आपको देखें यहाँ पे दो चीजें, एक है नंबर ऑफ मोल्स होने के केजी, ठीक है। अब जो किलोग्राम होता है वो एक लार्ज यूनिट है, किलोग्राम से भी छोटा यूनिट हमारे पास मौजूद होता है दैट इज ग्राम। तो ये कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ये भी दिया जाता है कि सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया गया हो, किलोग्राम में ना बताया गया हो बल्कि ग्राम में बताया गया हो, या ऐसे भी होता है कि आपको सॉल्यूट के मोल्स डायरेक्टली नहीं बताया जाते। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इसमें 100 ग्राम लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ कि 1 मोल, लेकिन ये मैंने जो है कैलकुलेट किया है बस मोल्स फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मास आपका डिसॉल्व होता है उसको डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास से, तो आपको क्या होता है वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कितने मोल्स आपको पता चल जाते हैं कितने मोल डिसॉल्व किए हैं, तो इसलिए आपके बेसिक उसके हिसाब से हमने मोल्स को मतलब मास दिया गया हो, मोल ना दिए गए हो या किलोग्राम ना दिया गया हो बल्कि ग्राम्स दिए गए हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसके हिसाब से हमने की फार्मूला जो भी बनाया है इसमें से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दिए गए हो लेकिन किलोग्राम ना हो उसकी जगह पे ग्राम दिए गए हो इसके सॉल्वेंट पे, तो आपने क्या करना है, आपको पता है किलोग्राम होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एक केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर हम ग्राम दिए गए होते हैं
तो जब उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें केजी मिल जाता है। तो जब किलोग्राम अपॉन 1000 हो जाएगा यानी ग्राम अपॉन 1000 इज इक्वल टू केजी, तो वो 1000 जो डबल नीचे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाता है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आपको मोल्स दिए गए होंगे सॉल्यूट के, लेकिन सॉल्वेंट होगा केजी में नहीं होगा, इसमें होगा ग्राम में होगा, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये होता है कि सॉल्वेंट तो केजी में दिया गया हो लेकिन जो सॉल्यूट है उसके मोल्स ना बताया गया हो बल्कि उसका मास बताया गया हो कि भाई इतने ग्राम हमने क्या किया डिसॉल्व किया है। जैसे इसमें था कि 100 ग्राम है, ठीक है, ये मास बताया हुआ, मोल नहीं बताया है और 1 केजी बताया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट का कितना सॉल्वेंट हमने लिया है। तो आपने क्या करना है, अब जो मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स दैट्स इक्वल टू गिवन मास यदि मास अपॉन डिवाइड बाय अपॉन टोटल मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास जिसे कहते हैं। अब कितना मास आपने मतलब लिया है डिसॉल्व करने के लिए वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करेंगे इसको उस सॉल्यूट के मोलर मास से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और नीचे डिसॉल्व जो डिवाइड किससे करते हैं किलोग्राम में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये तो पहले डिवीजन में था केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इस मोल्स को हमने रिप्लेस किया विद मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी अब यहां पे आपको क्या बताया गया होगा, मास दिया गया होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या दिया गया होगा केजी दिया गया। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते डायरेक्टली, अदरवाइज ये दो स्टेप में भी हो सकता है। पहले आप मोल्स मालूम कर लें इसके, जैसे 100 ग्राम है 100 को 100 से डिवाइड करेंगे मान आ जाएगा 1 मोल, पता चल गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई करके आप मॉलिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये दो स्टेप में होगा। अगर एक ही स्टेप में करना चाहते तो डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वन हमारे पास ये है कि आपका ये किलोग्राम भी ना हो मोल्स भी ना हो, यानी कि जो सॉल्यूट है उसका भी क्या बताया गया हो मास बताया गया हो और जो सॉल्वेंट है उसके ग्राम्स बताया गया हो केजी ना बताया गया हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीन स्टेप पे चला जाएगा, पहले आप मतलब मास में से मोल्स मालूम करेंगे, ठीक, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे ग्राम्स में से आप केजी मालूम करेंगे सॉल्वेंट के, ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर आप पहला वाला जो बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई करके आप मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो तीन स्टेप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीन स्टेप को अवॉइड करना चाहते हो, बचना चाहते हैं, चाहें एक ही स्टेप में हो जाए, स्मॉलर हो जाए, शॉर्टर हो जाए, तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसमें आपको सॉल्वेंट के ग्राम दिए गए होंगे और सॉल्यूट का मास दिया गया होगा, ठीक है। अदरवाइज तीन स्टेप में चला जाए, इस तरीके से आपके ये फार्मूला बनते हैं। बेसिक फार्मूला यही है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको लाजमी याद रखना चाहिए भाई ये मोलरिटी इस फार्मूला से कैलकुलेट होगी, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल यहां पे किया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं जैसे सीधा कर लेता हूं यहां से, आप जैसे ये हमारे पास है 100 ग्राम, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फार्मूला थर्ड वन, तो इसको आप जस्ट मैं इधर हूं यहां पे ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा, जस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं ताकि आप जो वीडियो वाला अर्थ ना कर लीजिए। अब यहां पे हमारे पास कितने ग्राम है 100 ग्राम, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं दिस वन, तो आपके पास जो मोलरिटी होती है m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100, ठीक है, डिवाइड बाय जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है वो भी 100 होता है, 40 + 12 + 16 = 48, तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो 100 मोलर मास किसका 100 ही है, मल्टीप्लाई का आपके पास क्या है केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी कितना बताया हुआ 1 केजी है, तो हम यहां पे 1 कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा ये 100 टाइम्स 100 11 एंड दिस मोलरिटी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1, तो हमने ये लिखा था देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनको आप यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो सॉल्यूशन है उसमें 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं भी होती तो आप जो है मतलब बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करके दिखाएंगे कैसे होता है और किस तरीके के फार्मूला होते हैं, ठीक है। थैंक यू।